हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले ऐसी डिश जो हम दिल्ली एनसीआर वालों की कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। चाहे तो हम इसे दिल्ली की नेशनल डिश भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज, वो भी आटे वाले। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग में मैंने लिया है 2 कप्स ऑफ कॉलीफ्लावर, 1 कप ऑफ कैप्सिकम, 1 इंच ऑफ जिंजर एंड 1 कप ऑफ अनियन। और अब हम कर देंगे इन सबको मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। और नमक डालना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जितना भी वेजिटेबल्स में एक्सेस वाटर होगा वो सब बाहर आ जाएगा, और जब हम मोमोज बनाएंगे तो स्टफिंग ज़्यादा होल्ड हो पाएगी मोमोज में, स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और मोमोज ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब ये हो गया है मिक्स, तो मैं इसको रख देती हूँ साइड पर। अब हम मोमोज का डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप ऑफ आटा और 1/4 कप ऑफ मैदा। अगर आपको मैदे वाले मोमोज बनाने हैं तो आप 1 कप ऑफ मैदा ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। और यहाँ पे मैंने लिया है ठंडा पानी, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और आटा गूंथती जाऊँगी। मोमोज का आटा हमें टाइट ही लगाना है, ढीला ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप धीरे धीरे पानी डालते जाइए और मोमोज का आटा गूंथते जाइए। और आटा हमारा गूंथ गया है, अब मैं इसे रख दूंगी 10 से 15 मिनट फ्रिज में। और 10 मिनट हो गए हैं हमें अपनी स्टफिंग को साइड में रखे हुए, तो जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो सब कलेक्ट हो गया होगा। और अब मैं एक कपड़ी की मदद से इस सारे एक्सेस वाटर को रिमूव कर लूंगी अपनी स्टफिंग में से। और ये मैंने अपने कपड़े को किया फोल्ड। आप ऐसे ही किसी भी किचन टॉवल को यूज़ कर सकते हैं इस पानी को निकालने के लिए। एक्सेस वाटर निकल चुका है स्टफिंग में से, और अब ये रेडी है बिल्कुल मसाले डालने के लिए। सबसे पहले मैंने इसमें डाला 1/2 टीस्पून ऑफ काली मिर्च और 1 टीस्पून ऑफ नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला, और इन्हें मैं कर दूंगी अब मिक्स। और स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है और आटा भी हमारा सेट हो गया है। देखिए कितना टाइट है ये। और अब हम अपने मोमोज बेलना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटी सी आटे की बॉल लेकर इसे बेलना स्टार्ट कर दिया। हमें इसे पतला ही बेलना है ताकि मोमोज हमारे टेस्टी बने, क्योंकि अगर मोमो की कवरिंग होगी मोटी तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और ये हमने अपने आटे को बेल लिया है और अब मैं इसमें स्टफिंग फिल कर रही हूँ। और अब हम इसकी प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ 5 से 6 प्लीट्स आप बनाइए। और ये प्लीट्स मेरी बन गई हैं, और अब मैं इसे पीछे से लाकर फोल्ड कर दूंगी। देखिए कैसे बना रही हूँ इसे मैं, और ये हो गया। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मोमोज बनाने वाले हैं विदाउट मोमो स्टैंड, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे किसी पैन को, और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। और ऐसे किसी स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाला स्टैंड यूज़ करके उसके ऊपर प्लेट या किसी बर्तन को रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इसे अच्छे से ग्रीस करना ऑयल से, क्योंकि अगर ये अच्छे से ग्रीस नहीं होगा तो मोमोज चिपक जाएंगे हमारे। और ये हमने ग्रीस कर लिया। अब मैं एक एक करके अपने मोमोज को इसमें रखना स्टार्ट कर दूंगी। और
और अब हम अपने मोमोज को भी ऑयल से ग्रीस करेंगे, क्योंकि अगर आप आटे वाले मोमोज बना रहे हैं तो उसके लिए ये कंपल्सरी है, बट मैदे वाले के लिए ये कंपल्सरी नहीं है। इसका डालने का फायदा ये है कि इससे मोमोज हमारे सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि कुछ लोग आटे वाले मोमोज अवॉइड ही इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आटे वाले मोमोज खाने में अच्छे नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो अब हमने इसे ढक दिया है और मैं इसे 20 से 25 मिनट सिम पे पकने के लिए दूंगी। और हमारे 25 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे निकाल लिया। तो हमारे पक चुके हैं, हम टूथपिक डाल के इन्हें चेक कर लेते हैं। और देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन है। तो अब हम इन्हें प्लेट कर लेते हैं। और हमारे मोमोज हो गए हैं प्लेट। देखिए कितने यमी, कितने सॉफ्ट और कितने टेस्टी लग रहे हैं ये। और एक मोमो मैं अब आपको खोल कर दिखाऊंगी। देखिए स्टफिंग कितने अच्छे से इसमें फिल हुई है, कहीं से भी ये बाहर नहीं निकल रही, और कितने सॉफ्ट और कितने यमी लग रहे हैं ये। इसे मैंने सर्व किया है मेयोनीज के साथ और साथ में मोमोज की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।